भाई हम 300 रुपए पे चला रहे हैं। 300 रुपए करीबन यहाँ पे 10 साल हुआ है। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना और देखना की ये शॉप कहाँ पर है, सही है, और कौन कौन सी मिठाइयाँ इनके पास मौजूद है और क्या क्या इनके प्राइस है, रेट है, सही है। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और बीच में स्किप नहीं करनी, वरना कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबाना मैं बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सही है। तो आज हम लोग मौजूद है यहाँ पे, सही है। आप लोगों को इस समय उन्होंने बताया कि ये एक मिठाई की शॉप है। अच्छा, ये किसी दुकान पे नहीं है, सही है, ये एक रोड के ऊपर स्ट्रीट फूड है। स्ट्रीट रोड के ऊपर इन्होंने अपना एक केबिन लगाया हुआ जहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ यहाँ मौजूद है। तो आज हमारे साथ मौजूद है ये भाई, मुझे ना आपका नाम शहजान, शहजान नाम है उनका, सही है। चल में कितना टाइम हो गया आपको लगाए हुए? हमें तकरीबन यहाँ पे 10 साल हुआ है। 10 साल सही है। तो माशाल्लाह से 10 साल का एक्सपीरियंस इनके पास मौजूद है, सही है। और इनके पास देखते हैं कौन कौन सी मिठाइयाँ यहाँ पे मौजूद हैं और उनके क्या क्या रेट है। मार्केट से जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे मार्केट से बहुत ही सस्ते प्राइस है, जो मिठाइयाँ आपको 1300-1500 में मिलती है ना, वो देखते हैं हमारे के पास किस किस रेट के अंदर मौजूद है और क्या उसका जायका है। हम एंड में टेस्ट करके ये भी देखेंगे, आपको रिव्यू भी देंगे कि इसका जायका कैसा है, सही। तो आज मिठाई के साथ चलता है, देखते हैं कौन कौन से आपके पास मौजूद है और उसके क्या क्या प्राइस है। इन सबसे पहले यहाँ पे मशहूर जमाना जो गुलाब जामुन मुझे गरम गरम नजर आ रही है, सही है। तो शिलानी क्या रेट है इसका? भाई हम 300 रुपए किलो चला रहे हैं। 300 रुपए किलो चला रहे हैं, माशाल्लाह। यह शिलानी तो मतलब बिल्कुल ही एंड कर दिया, यानी कि 300 रुपए किलो गुलाब जामुन चल रही है। वैसे मार्केट में मेरे ख्याल से 1200-1300 रुपए चल रही है, जी जी सही है। तो इसके अलावा ये कुछ अलग साइज में लग रही है मुझे इसकी, ये थोड़ा बड़ा साइज है। अच्छा, देखो इसके भी प्राइस वही है या प्राइस सेम? प्राइस सेम प्राइस है, ये भी 300 रुपए किलो है। अगर शायद नहीं, यहाँ पे मुझे ये रसगुल्ले लग रहे हैं शायद, तो चमचम कहते हैं इसको, रसगुल्ले भी कहते हैं, सही है, दोनों कहते हैं। तो ये क्या, इसका क्या हिसाब किताब है? ये 400 रुपए किलो है। 400 रुपए किलो चल रही है और ये भी गरम गरम है बिल्कुल ना, ताजी है। वैसे तो इसे ठंडी अच्छी लगती है क्योंकि जितना ठंडी का उतना टेस्ट बढ़िया है। अच्छा, ये ठंडी चलती है और गुलाब जामुन जो है गर्म चलती है, सही हो गया सामने। अच्छा, ये है फ्रेश ही, मतलब ये बिल्कुल फ्रेश। अच्छा सर, यहाँ पे रबड़ी नजर आ रही है मुझे, तो क्या हिसाब है रबड़ी? ये रबड़ी 1100 रुपए किलो है। 1100 रुपए किलो है। वैसे मार्केट में इसके नॉर्मली क्या रेट चल रहा है? तकरीबन ऐसे ही कुछ रेट चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो माल है हम अपना खुद तैयार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अपना उसका कारखानों का नहीं है, ये आपका खुद का घर का बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, सही हो गया सर। इसके अलावा मुझे काफी और भी आइटम दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आगे देखता हूँ, रंग बिरंगी से मुझे ये दिख रही है जो अक्सर क्या नाम है जर्दे वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल होती है ना। जैसे कुछ लोग घरों में जरूरत पड़ जाती है कि जर्दा वगैरह बनाए तो कम तादाद में हमारे पास से ले जाते हैं। अच्छा, तो क्या हिसाब है शिवम भाई? ये भी अपना एक ही रेट है, 400 रुपए किलो। ये भी 400 रुपए पाव है। 100 रुपए पाव, सही। अच्छा शिवम भाई, इसके बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बड़े जबरदस्त ये छोटे छोटे समोसे मुझे दिख रहे हैं, तो इसकी क्या प्राइस है? ये 15 रुपए का एक समोसा है, स्टैंडर्ड मसाला, खोया भरा हुआ है, खोए वाले समोसा। अच्छा, ये खोए वाले समोसा है, सही है। सलामी, तो ये अगर कोई किलो के हिसाब से नहीं है, सिर्फ पर पीस के हिसाब से ही है? अगर कोई चाहे तो किलो के हिसाब से ले ले, 600 रुपए किलो के बेड से देना। 600 रुपए किलो भी अगर कोई चाहे तो वो मिल जाएंगे। उसके बाद ये क्या रखा हुआ जल्दी लिए? ये कलन कलाकंद, कलाकंद नहीं, कलाकंद के हिसाब है शामी? ये भी 600 रुपए किलो है। 600 रुपए किलो। उसके अलावा ये पतीसा लग रहा है मुझे, जी
तो ये पतीसा क्या हिसाब है शिलम भाई? ये भी 600 रुपए किलो है, अभी भी बिल्कुल फ्रेश है। माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है यार। इसके अलावा ये क्या है? ये फूल पतीसा है, कुछ लोग उसको कप पतीसा भी बोलते हैं। अच्छा जी, ये क्या हिसाब है? ये 650 रुपए किलो है। 650 रुपए किलो है। अच्छा शिलम भाई, ये क्या रखा है यहाँ पे? बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा लग रही है। ये कोकोनट पतीसा है। अच्छा, ये मैं मतलब अभी तक मार्केट में इतनी आसानी से दुकानों पे नहीं देखा जी। ये हर दुकान वालों के पास तो नहीं होता, क्योंकि हम अपना माल खुद बना दे। अच्छा, ये आपकी यानी स्पेशलिटी कह सकते हैं, ये अलग से आपके पास से मिलेगा कोकोनट पतीसा ना? कोकोनट पतीसा सही। अच्छा, ये तो जो है ना, ये सोन हलवे की टिकिया है। सोन हलवे की टिकिया है, बड़ी जबरदस्त थी। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, सही। तो क्या हिसाब है, ये क्या किलो है? ये भी 600 रुपए किलो। ये भी 600 रुपए तकरीबन। मिठाइयाँ 600 रुपए किलो ही है। एक ही रेट रखे हुए आपने, के कोई मसला नहीं है। मिक्स करवाना चाहे तो मिल जाए आपको 600 रुपए में मिलेगी। अच्छी दुकानों में जो है वो 600 रुपए नहीं मिलके मेरे ख्याल से कोई 1400-1500 रुपए मिक्स चल रही है ना, ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा ये भी रखी हुई है यहाँ पे, इसकी क्या प्राइस है? इसके भी रेट 600 रुपए किलो है। ये भी 600 रुपए किलो है। अच्छा, इसके ये मक्खन टोपी है, 10 रुपए की एक है, अदद के साथ से। वैसे भी अगर कोई किलो के साथ से ले तो ये भी 600 रुपए किलो। ये भी 600 रुपए किलो है, जबरदस्त है। अच्छा, ये कौन सी मिठाई है? बड़ी ये मैंगो का लगन है, ये जेली मैंगो का लगन है। अच्छा, जेली मैंगो का लगन है, ये क्या हिसाब है? ये भी भाई आपको 600 रुपए किलो है। 600 रुपए किलो पड़ेगी। ये पान चढ़ा यहाँ पे रखा हुआ है, क्या हिसाब किताब है भाई? ये भी हमारे पास 600 रुपए किलो है। 600 रुपए किलो। ये बेसन के बड़ा खूबसूरत से लड्डू रखे हुए, इसके क्या हिसाब किताब है? ये 20 रुपए का ही चलाते हैं वैसे तो। वैसे किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से 600 रुपए किलो मिल जाते हैं। तो भाई शहजान भाई ने मुझे जो है ना वो यहाँ पे तकरीबन सब के आपने मुझे अभी रेट बताया। सही है शहजान भाई, ये बात आपकी कंफर्म होने भी ताजी होगी, कोई अगर कंप्लेन आएगी तो आप वापस आ गए। सही, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं। अगर हमारे कोई व्यूअर्स आपके पास आते हैं तो आपने उनको खास तौर पर ख्याल करना है। अगर कोई यहाँ पे शादी की दुनिया का रेफरेंस लेके आता है तो आपने स्पेशली उनका खास तौर पर ख्याल करना है। सही है। अच्छा शिवम जी, अब जो है वो थोड़ा सा मुझे समझाएं कि यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये एड्रेस क्या है इसका, आप कहाँ पे खड़े हैं और आपकी टाइमिंग क्या क्या है? ये हम लोग खड़े हैं अपना। तो एक मशहूर दूध वाले हैं, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके बिल्कुल अपोजिट जो है ना वो ये यहाँ पे खड़े हैं। तो आपकी टाइमिंग क्या है शिवम जी? हम यहाँ पे आ जाते हैं दोपहर 3 बजे तक आ जाते हैं। सही। उसके बाद हम लोग जब ऑफ करते हैं अपना, जब बंदिंग का टाइम तकरीबन 2 बजे स्टार्ट करते हैं तो 2:30 बज जाते हैं। यानी कि 2 बजे तक ये आपको दोपहर 3 बजे से रात 2 बजे तक इनकी टाइमिंग है और ये यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। सही है। इसके अलावा बॉक्स पैकिंग वगैरह भी मौजूद है यहाँ पे, ऐसे अपना शॉपर में है क्या है? बॉक्स मौजूद है, एक दिखा देंगे, बॉक्स दिखा देंगे। ये देख सकते हैं भाई, सारी स्वीट्स के नाम से इनके बॉक्स बने हुए हैं। सही है। आप चाहे तो यहाँ पे बॉक्स में भी ले सकते हैं। सही है। चाहे तो आप अपनी पैकिंग चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से आप नॉर्मली शॉपर वगैरह में भी अपना पैक करवा सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं। अगर आपने पैकिंग और अच्छी करनी है और अपना थोड़ा उसको शो करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी जायका हमने इनका टेस्ट किया, सही है, बहुत जबरदस्त है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ पर आए, विजिट करें। इस महंगाई के दौर में इतनी सस्ती मिठाई मैं नहीं समझता आप लोगों को कहीं मिलेगी। सही है। और इस तरह की चीजें ढूंढ ढूंढ के हम लोग आप लोगों के लिए ला देंगे, लेकिन आप लोगों ने हमें सपोर्ट करनी है और चैनल को सारा सारा सब्सक्राइब करना है और आपने इसको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। सही है। तो अब हम कुछ इनके सैंपल्स लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और उसका रिव्यू करते हैं। सही है। और आपको बताते हैं कि कौन सी मिठाई हमें कैसी लगी। भाई अब हम श्रीराम भाई ने हमें प्याला बना के दिया, क्योंकि मिठाई में ज्यादा खाता नहीं, मैंने फिर भी बहुत ज्यादा ही बना दिया इसको। तो अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैं गुलाब जामुन को तोड़ने जा रहा हूँ भाई, बहुत सॉफ्ट है। सबसे मेन चीज आप ये देख सकते हो, अगर कैमरा आपको दिखाए इसमें कहीं गुठली मौजूद नहीं। सबसे मेन चीज मुझे गुलाब जामुन में ये अच्छी लगती है कि जिसमें गुठली आती है ना वो तो टेस्ट मार देती है, तो इसके अंदर ही गुठली मौजूद नहीं। सही है। मतलब जबरदस्त है, गरम गरम होने की वजह से बहुत जबरदस्त लग रही है। इसके अलावा मैं दूसरा आइटम देख कर हूँ, जिसको हम रसगुल्ला कहते हैं। सही है। तो अब रसगुल्ले की तरफ चल रहे, इसमें देख सकते हैं कोई गुठली कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं है। नहीं, बहुत औसम, बहुत औसम है। सही हो। एंड आप ये कह नहीं सकते यार कि ये प्राइस ही है, वैसे प्राइस कम है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है।
बिल्कुल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। थर्ड वन पे चल रहे हम रबड़ी की तरफ, एक लंबा सा बाइट हम रबड़ी का लेने जा रहे हैं। ये मेरी फेवरेट है, आप ये देख सकते हैं, वही मैं दिखाने वाला था कैमरे में, अगर आपको देखना तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लच्छे वाली है, उस टाइप की बिल्कुल लिक्विड लिक्विड नहीं है ना, पाउडर पाउडर सी लग रही है, बहुत जबरदस्त लग रही है। जबरदस्त माशाल्लाह, हर चीज है ना बेहतरीन, रबड़ी बहुत जबरदस्त है। अच्छा ये इनका यहाँ का स्पेशल है कुछ, चलिए ये पतीसा है, कोकोनट वाला, कोकोनट वाला पतीसा है, इसको भी फ्लेवर करते हैं, सॉरी टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने के लिए इसको हमने तोड़ लिया। वैसे तो ये हाथ से खाने की चीज है लेकिन अभी हमें चम्मच से खानी पड़ रही है। सही है, भाई मैं कहूंगा ये लाजमी आपने टेस्ट करना है, और मुझे जो मैंने बताया कि जो यहाँ के ओनर है वो खुद अपने हाथ से बनाते हैं, सही है भाई, एंड ये लिटरली मैं इसका एक और बाइट लेने जा रहा हूँ, ये एंड है, बहुत जबरदस्त चीज है। और आपने यहाँ पे आना है, उनको सपोर्ट करनी है, हमारे चैनल को सपोर्ट करनी है, सही है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अपने कमेंट जरूर देने कि आपने जिन्होंने विजिट किया उनको कैसा लगा। लोकेशन यहाँ की मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा। सही है, थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।